कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त सोमवार को शहर पहुंचे। दत्त ने सुबीसी हॉस्पिटल परिसर में मैराथन बैठक ली। दत्त ने पदाधिकारियों को चुनावी तैयारियों के साथ ही पार्टी का एजेंडा बताया। उन्होंने कर्नाटक चुनाव की तर्ज पर आने वाला विधानसभा चुनाव जनता के दम पर लड़ने की बात की। दत्त ने कहा, विधानसभा चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे हो, प्रचार में क्या तरीका अपनाएं, इसके सुझाव लिए जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जनता के मन की बात सुनकर चुनावी रणनीति बना रहे हैं। इसी के तहत राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। जनता परिवर्तन चाहती है, इसको लेकर संजय दत्त ने मंडल अध्यक्षों व जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से विस्तार से चर्चा की। संगठन की मजबूती के लिए मंडल से जिला स्तर तक कार्यकारिणी का विस्तार करने एवं नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने पर चर्चा हुई। संजय दत्त ने मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कहा, सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। उसे आने वाले हमारे प्रचार के रोड मैप में उसका समावेश करें। ये सीख हमें खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी से ही मिली है कि जनता और कार्यकर्ता की मन की बात सुनो और समझो। हम उस पार्टी के नेता के तरह नहीं है कि जो सिर्फ अपने मन की बात महीनों महीने जनता पे छोड़ रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं की मन की बात सुन के समझ के उसके अनुसार हम आगे की हमारी प्रचार की दिशा और किस तरीके से और गति हम अपने प्रचार में ला सकते हैं और संगठन को और ज्यादा बलशाली किस तरीके से कर सकते हैं। आप सबने देखा, हाल में ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने पूरे देश में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की। मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बहुत ही अच्छे तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हुआ और इसका उल्लेख जो जो यात्रा में शामिल थे उन्होंने जगह जगह पे किया। मैं तमिलनाडु में था, वहाँ पे लोकसभा की एक छोड़ के सभी सीटें हम जीते। विधानसभा में डीएमके के साथ अलायंस में हमारी सरकार बनी। उसके बाद हिमाचल का दायित्व सौंपा। हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी। हिमाचल के कांग्रेस परिवार ने एकजुटता से मेहनत की, वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद 5-6 महीने कर्नाटका की जिम्मेदारी थी। आप सभी लोगों ने हाल ही में कर्नाटका में चुनाव के जो रिजल्ट्स आए आपने देखा, तो आज पूरे देश में, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में ये चर्चा है कि अब जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं वहां कांग्रेस की सरकार बनकर 80% विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हार गए। इससे ही स्पष्ट हो गया है कि अब जनता का विश्वास उनसे उठ गया। कोई भी जुमला, कोई भी नुस्खे वो अपनाए, परफॉर्मेंस में फेल हैं और जनता उसी के आधार पे वोट करेगी। कांग्रेस द्वारा आदि पुरुष फिल्म का विरोध किया जा रहा है। आज भोपाल में कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री थे पीसी शर्मा, वो एफआईआर दर्ज करने भी जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संस्कारों की बात है। कांग्रेस जो है हमेशा धर्म का पालन करते हुए उसे एक पर्सनल इशू मानती है और जिस पार्टी ने प्रभु रामचंद्र जी के नाम का गलत इस्तेमाल किया, राजनीतिक पर्पस के लिए उपयोग किया, उसका सही चित्र और उनकी मन की भावना ऐसे किस्म के पिक्चरों को प्रमोट करने में, हमारे धार्मिक भावनाओं को हर्ट करने में उनका
एक्सपोजर हो गया है, ये अब जनता समझ गई है। आप सभी ने पढ़ा होगा, वायरल हो चुका है कि उस फिल्म में किस प्रकार के डायलॉग्स का उपयोग किया गया है। एक सामान्य, मैं भी राम भक्त हूँ, हनुमान भक्त हूँ, मेरी भावना को भी ठेस पहुँचा, हजारों जनता के भी भावना को ठेस पहुँचा। और इस चीजों को, इन चीजों को भारतीय जनता पार्टी क्यों प्रमोट करती है, ये अब जनता समझ चुकी है। क्योंकि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पे उनका ट्रैक रिकॉर्ड जीरो है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भाववार हो, फिल्म को बैन करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि ऐसी पिक्चरों को तो अब जनता ही तय करती है, और ऐसी पिक्चरें वैसे ही जनता रिस्पांस नहीं देती तो पिट जाती हैं, तो इनको तो क्या महत्व देना। क्या भाजपा दोषी है क्या? जो फिल्म, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस तरीके से ऐसी बातों को प्रमोट करता है, इन इन बातों के खिलाफ स्टैंड लेने के बजाय प्रमोट करता है, वो चीज से उनका असली चेहरा सामने आता है। क्यों नहीं किसी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस पिक्चर में जो है जिस किस्म के डायलॉग्स का उपयोग किया गया उसका विरोध किया? क्यों नहीं मांग की कि ऐसे डायलॉग्स को जो है हटा देना चाहिए? क्यों नहीं मांग की? तो ये सारी बातें जनता समझ रही है, और ये कोई मुख्य विषय नहीं है हमारे लिए। आज मुख्य विषय बेरोजगारी है, महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है वो विषय है। और ये सरकार ने पूरे तरीके से मध्य प्रदेश में जो जो जिस तरीके से मिलने की संभावना, देखिए मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव प्रबंधन का काम पिछले कई महीनों से हर जिले, हर विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है। मुझे ये दायित्व सौंपा गया, उसके बाद प्रभारी जी के सूचना अनुसार मुझे दिए गए जिलों में मैं जाके सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उनकी राय, उनके सुझाव ये जानकर हमारे चुनाव प्रचार और प्रबंधन में किस तरीके से हम और ज़्यादा गति ला सकते हैं, और साथ ही साथ संगठन को और मजबूती दे सकते हैं, इन विषयों पे विचार विमर्श कर रहा हूँ। आप जैसे हिमाचल के भी प्रभारी रहे, कर्नाटक के प्रभारी, आपको मध्य प्रदेश में भी कमान सौंपी गई, क्या यहाँ भी जीत होगी कांग्रेस की? देखिए ऐसा है, दो वजहों से जीत होती है। एक, जनता जो सर्वोपरि है वो तय करती है, और दूसरे उस राज्यों के जो हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेतृत्व है। हम भी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, हमें जिस भी प्रदेश में दायित्व सौंपा जाता है तो हम वहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के लक्ष्य को हासिल करने का काम करते हैं। वो दायित्व मैं कार्यकर्ता के नाते निभा रहा हूँ। लाडली बहना मास्टर स्ट्रोक मान रही है बीजेपी मध्य प्रदेश में, आप क्या समझते हैं, क्या बात है? देखिए दो चीजें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। एक, कांग्रेस ने जो जो चुनाव के समय में वादे किए उसका ट्रैक रिकॉर्ड। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, हाल ही में हुए चुनाव का हिमाचल में, हमने 10 वादे किए। एक वादे का उदाहरण मैं देता हूँ, महत्वपूर्ण ओपीएस की योजना, हमारे आदरणीय नेत्री प्रियंका जी ने चुनाव प्रचार के दरमियान में जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में उसका निर्णय होगा। मुख्यमंत्री भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उसका पालन किया। कर्नाटका में राहुल जी ने जनता को जो गारंटियां दी, 3 दिन होगा कि बस यात्रा महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए फ्री कर दी गई, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया।
उसी तरीके से राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, हमने जो जो वादा किया उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा कि चुनाव प्रचार में वो चांद सितारे सूरज देने तक का वादा करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो जो है उनका नेतृत्व ही उन वादों को जुमलों का करार देता है, ये उनका इतिहास रहा। कितनी सीटों पे जीते? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जानता है कि अब मध्य प्रदेश में उनका विदाई का समय आ गया है। अब आपने जब इतने साल राज्य किया, आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया, जन विरोधी नीतियों के माध्यम से जनता प्रताड़ित ही हुई, अब लुभाने का आप कितना भी प्रयास करें आपकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई है, जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। और जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस के वादों में ही उनका भविष्य है और उसको कांग्रेस पूरा। मध्य प्रदेश में मोदी जी आ रहे हैं और 30 तारीख को यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कर्नाटका में चुनाव हुआ, मैं वहाँ पे था, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, नड्डा जी, मैं सबके नाम गिनने जाऊं तो पूरा इंटरव्यू में उसी समय चला जाएगा। इनके आने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, वही हाल हिमाचल में था, गली गली में मोदी जी घूमे। पहला प्रश्न ये आता है जनता के मन में कि केंद्रीय नेतृत्व को महानगर पालिका और नगर पालिका के चुनाव के तौर तरीके पे प्रचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसका कारण ये है कि राज्य में नेतृत्व पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का फेल हो गया है और ये उनका केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार बननी है तो क्या मुख्यमंत्री मोदी जी बनेंगे, क्या अमित शाह जी बनेंगे, क्या नड्डा जी बनेंगे? यहाँ का स्थानिक नेतृत्व ही तो मुख्यमंत्री बनेगा। आम जनता के प्रश्न होंगे तो उन्हीं के पास तो जनता जाएगी, दिल्ली थोड़ी जाएगी, ये जनता समझ रही है। इसलिए आपने देखा कि हिमाचल में गली गली में घूमे, कर्नाटका में लगातार आखिरी दौर में 10 दिन मोदी जी ने प्रचार किया, उसके आधार पे जनता तय करेगी। सांसद है भोपाल की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनका बयान है कि जो मजारे हैं ये भारत की भूमि को अपवित्र करती है, इन्हें हटा देना चाहिए। देखिए, ये जो सारे स्थानिक विषय हैं, इन विषयों पे प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो ऑलरेडी समय समय पे भाष्य कर चुके हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पे आने का संगठन को मजबूती देने का है और साथ ही साथ जो है चुनाव के प्रबंधन को और गति किस तरीके से दे सकते हैं, तो मैं लक्ष्य उसके ऊपर केंद्रित कर रहा हूँ। कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? निश्चित रूप से अभी सबके साथ बातचीत हो रही है, खारगोन के हमारे सभी साथियों के साथ बात हुई, बाकी 5 विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता पदाधिकारियों को अब मैं मिलने जा रहा हूँ, सबसे बातचीत होगी, उसके बाद कार्यकर्ता की मन की बात का समावेश हमारी जो रोड मैप बनेगी चुनाव की उसमें उसका इंक्लूजन करके हम दिशा तय करेंगे। कलह जो है वो देखने को कल भी खंडवा में मिली है, दूर होगी? देखिए, कांग्रेस की कोई अंदरूनी कला नहीं है, कांग्रेस एक लोकतंत्र पार्टी है जिसमें हर कार्यकर्ता को अपनी राय, अपनी भूमिका रखने का अधिकार है। हम उस पार्टी के सदस्य नहीं हैं जिसमें सिर्फ डेढ़ नेता ये तय करते हैं कि क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, और जिनकी हाल ये है कि मुख्यमंत्री जीओं को भी कोई पावर नहीं है, दिल्ली में वो प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री तय करते हैं वही बोलना पड़ता है। कैबिनेट के भी जो सदस्य हैं, जनता की ये राय है कि उनकी भूमिका जो है सिर्फ सुनने की है, उनको बोलने का और अपनी राय देने का कोई अधिकार नहीं है, तो हमको गर्व है हम उस पार्टी के सदस्य सिपाही सैनिक हैं जहाँ पे छोटे से छोटे कार्यकर्ता अपनी भूमिका रख सकते हैं। अंतिम सवाल, मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कितनी सीटों पर आएगी? देखिए, ये निश्चित है और ये
पूरे तरीके से जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि बहुत हुई भारतीय जनता पार्टी की मार, अब की बार कांग्रेस सरकार। जहाँ तक सीटों की बात है, वो आकलन जो है हम इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भूतो ना भविष्यतो, इतनी बड़ी मेजॉरिटी इस बार जो पहले कभी किसी पार्टी को मध्य प्रदेश में नहीं मिली, इस चुनाव में कांग्रेस को मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।